आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के क्विन अपने नाम कर ली है। ये उनकी बेंच स्ट्रेंथ ने दिखाया है कि हम तगड़ी टीम हैं, कि हम दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन सकते हैं। और बेंच स्ट्रेंथ ने आज मैच जिताया आपको। पकड़ के बजा दिया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका में बेटा साउथ अफ्रीकन कंडीशन में कोई एशियन प्लेयर जाके शो करता है उसकी तारीफ बनती है। तिलक वर्मा मतलब पकड़ के उसने बजा दिया और ऐसा बजाया ऐसे रन ठोके उसने। तिलक वर्मा एक 22 साल के लड़के ने इंडिया की तरफ से सेंचुरी लगाई है जो कि मामूली बात नहीं है उसके लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी। तिलक वर्मा ने सारे घंटों को बताया पाकिस्तान के कि सालो घंटों सेंचुरी ऐसे करते हैं। तिलक वर्मा बहुत ही शानदार बेहतरीन और जानदार सेंचुरी बनाई है। आज थोड़ी सी प्रमोशन की कैप्टन ने कहा कि जनाब आप जाइए तिलक वर्मा साहब वन डाउन और मैं जाऊंगा टू डाउन। तो वन डाउन गया है तिलक वर्मा तो फिर मुड़ के नहीं देखा। बहुत ही लाजवाब किस्म की हिटिंग और दूसरे एंड पे बेशक के विकेटें गिरती रही हैं लेकिन इसने हिटिंग जारी रखी है। ये बहुत शानदार बात है। पाकिस्तानियों की आदत है जब भी इंडिया में बंदा परफॉर्मेंस करता है तो भाई यार इंडिया फ्लैट विकेट बनाता है, इंडिया सीधे विकेट बनाता है, अपने घर पे रन करते हैं। और मुझे ये बताओ वो अफ्रीका में घुस के उनकी दूसरी सेंचुरी आ गई है। पहले मैच में सैमसन ने सेंचुरी मार दी, अब तीसरे में तिलक वर्मा ने सेंचुरी मार दी। उनका तो हर बंदा यहाँ पे प्रूफ कार्ड है। अली आज ऐसा भी लग रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीका के गेंस अटैक कर रहे थे मानो ऐसा लग रहा था कोई मिनू टीम हो, कोई मिनू टीम की तरह ये लपेटा है जिन्होंने तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने बिल्कुल। अगर आप इन दोनों की बात करो इन दोनों ने आज ऐसे साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों की कुट लगाई है ऐसे लगाया कोई बच्चों का गेंद से खेल रहे हो। आज बच्चों ने बॉलिंग की, आज बच्चों ने बैटिंग की और मुझे लग रहा था ही कि ये मार देंगे और वही काम हुआ और उन्होंने मार दिया। सो बेंच स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया वेल डन। अंदाजा लगा लो तिलक वर्मा ने तबाही बैटिंग की है मेरे घंटे के और हमारे इधर बाबर आजम साहब 80 गेंदों पे 100 करके दे क्या ना बाबर आजम को रिजवान को या किसी पाकिस्तानी टैलेंट को ऑस्ट्रेलिया में 100 मारे T20 में। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अगर कल वो सेंचुरी नहीं मारते तो। मैं इनकी ऐसी की तैसी मारूंगा अगर कल रिजवान और बाबर ने मुझे सेंचुरी ना मार के दी तो, क्योंकि एक 22 साल का लड़का इंडिया की तरफ से यहाँ पर सेंचुरी मार रहा है। बजाय ऐसे रन ठोके हैं उसने। तिलक वर्मा ने जो आज बैटिंग किया ना और उस मैच में जो संजू सैमसन ने बैटिंग की थी, जो अभिषेक शर्मा ने 50 ठोका है, कि जितना यंग टैलेंट इंडिया के पास है ना अगर किसी का पास है तो ले लो। फिर पकड़ के बजा दिया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका में बेटा साउथ अफ्रीकन कंडीशन में कोई एशियन प्लेयर जाके शो करता है उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बॉलर तो भाई बड़े तगड़े बॉलर होते हैं और साउथ अफ्रीका की कंडीशन बहुत सी कंडीशन में आपने जाकर रन किए हैं। पकड़ के घंटा बजा दिया बेटा उनकी बॉलिंग लाइन आपका। एक मैच में संजू सैमसन 100 ठोक रहा है, एक मैच में जो है वो 100 ठोक रहा है तिलक वर्मा। आज आप देखो अभिषेक शर्मा ने भी 50 ठोका है। 219 बनाकर बजा दिया मेरे घंटे को बेटा। कोई भी एशिया का प्लेयर जब साउथ अफ्रीका में जाता है भाई वो स्ट्रगल करता है। हमारे पाकिस्तानी बेटा मैं लिख के देता हूँ जब जाते हैं ना बेटा वो 50 रन भी कर देना 50 रन तो बेटा वो बड़े खुश हो जाते हैं कि 50 हो गया है। उधर तिलक वर्मा ने 100 ठोक दिया और यार मैं किस किस का नाम गिनवाऊं आपको इंडिया के यंग टैलेंट का। और देखो ये जो तिलक वर्मा ने 100 मारा है बंदा टैलेंटेड है ये सबको पता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 कहां पर होगी? अगर पाकिस्तान में होती है तो इंडियन टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, तो इसके अंदर पाकिस्तान नुकसान होगा। और अगर चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर करवाया जाता है तो उसके अंदर पाकिस्तान टीम या पीसीबी क्रिकेट बोर्ड में शिरकत नहीं करेगा, जिसके बाद इसकी वजह से आईसीसी को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम तरह सिचुएशन है जिसके अंदर आईसीसी फंस चुका है। एक तरफ आता तो इंडिया इनकार करता है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम इनकार करती है। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्लियर का स्टेटमेंट दे दिया है कि हमने इंडिया के साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो पाकिस्तान में। और अगर अब की बार इंडिया ने कोई हेला बहाना किया या कुछ भी ऐसा मसला किया कि जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान ना आई तो आगे आने वाले दौर के अंदर ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, कोई भी बड़ा इवेंट हुआ क्रिकेट की तारीख का, कोई भी बड़ा इवेंट हुआ किसी भी मुल्क में हुआ, पाकिस्तान टीम इंडिया के साथ किसी भी सूरत नहीं खेलेगी। इतनी बड़ी खबर है जिसके बाद आईसीसी वाले भी हिल गए कि अगर इंडियन टीम ने वाकई पाकिस्तान का खुला किया और पीसीबी ने अपना स्टांस ले लिया तो आगे जितनी भी बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर हैं उनकी तमाम तरह इन्वेस्टमेंट होती है पाक इंडिया के मैच में, क्योंकि करोड़ों अरबों की होती है व्यूअरशिप पाकिस्तान इंडिया के मैच में। सबसे बड़ा फंड जनरेटर मैच भी यही वाला होता है। और अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा तो कहाँ की व्यूअरशिप, कहाँ का फंड, जिसके बाद आईसीसी को, ब्रॉडकास्टर को, मैच इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि इतना बड़ा नुकसान आईसीसी कभी भी होने नहीं देगा। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अब आईसीसी दोनों तरफ जोर लगा रहा है किसी भी तरह इंडियन टीम को मनाकर पाकिस्तान ले आए या पाकिस्तान टीम में थोड़ी नरमी कर दी जाए, पीसीबी को थोड़ा बना लिया जाए कि वो हाइब्रिड मॉडल पर मान जाए कि ज्यादा मैच पाकिस्तान में, कुछ मैच पाकिस्तान के बाहर। लेकिन फिलहाल दोनों सिचुएशन में आईसीसी मुकम्मल फंसा हुआ है और आईसीसी दोनों तरफ 50-50 खेल रहा है। 50 रन तो बेटा वो बड़े खुश हो जाते हैं कि 50 हो गया है। उधर तिलक वर्मा ने
100 ठोक दिया। और यार मैं किस किस का नाम गिनवाऊं आपको इंडिया के यंग टैलेंट का। और देखो ये जो तिलक वर्मा ने 100 मारा है, बंदा टैलेंटेड है ये सबको पता है, बंदे के पास गेम है, बंदे के पास शॉट्स हैं, और शॉट्स जिसके पास होती हैं बेटा रन वही करता है। सुन लो ये इंडिया की टीम देखो, ये इंडिया की टीम में कितने को बंदे ऐसे हैं जो भाई T20 पिछले 15 सालों से खेल रहे हैं। भाई हार्दिक पांड्या है ना बैटिंग लाइनअप में, पूरी यंग साइड है उनकी, और इतनी डोमिनेंट पोजीशन में वो जा रहे हैं, इतना डोमिनेट वो कर रहे हैं कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पकड़ के ऊपर जा दिया, किधर गया घंटा, अंदाजा लगा लो तिलक वर्मा ने तबाही बैटिंग की है मेरे घंटे के। और हमारे इधर बाबर आजम साहब 80 गेंदों पे 100 करके दे, क्या ना बाबर आजम को, रिजवान को, या किसी पाकिस्तानी टैलेंट को ऑस्ट्रेलिया में 100 मारे T20 में। अभिषेक शर्मा की खूब बल्ला उनका चला है, 25 बॉलों पर 50 रन उन्होंने दे मारा, जिसमें उन्होंने 5 छक्के मारे, बुलंद बाला छक्के और 3 चौके। तिलक वर्मा जो है वो छाए रहे और उन्होंने 56 बॉलों पे सेंचुरी दाग दी, 107 रन जो उन्होंने बना दिए, जिसमें 7 छक्के 8 चौके, 191 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, और क्या खूब बरसे और क्या खूब गरजे, और अपनी जो T20 की उन्होंने पहली सेंचुरी भी जो है वो दाग दी। बहुत ही कमाल किस्म की जो है वो स्ट्रोक बैटिंग उन्होंने करके दिखा दी, और कमाल खेला जी इंडिया। देखिए सेंचुरियन में आज तिलक वर्मा ने सेंचुरी जड़ दी, सेंचुरियन में मैच हो रहा था और छक्कों और चौकों की बारिश करने के बाद तिलक वर्मा ने सेंचुरी स्कोर किया, पहली T20 की सेंचुरी, 7 छक्के तिलक वर्मा की इनिंग में शामिल थे। अभिषेक शर्मा ने भी होम रन बनाए, 5 छक्के उन्होंने मारे, दोनों ने क्या कमाल बैटिंग कर रहे थे। कुछ 6 ओवर में इंडिया 80 रन बोर्ड में लगा चुका था, और वो जो स्टाइल है दोनों का, दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग किया। रमनदीप सिंह ने पहली बॉल खेल रहे थे अपने डेब्यू में, लेकिन क्या खूबसूरत उन्होंने छक्का मारा, बड़ी इंटेंट दिखाई है कि पहला मैच होता है आपका, जाहिर है आप एक 27 साल के हैं, लेकिन आप यंगस्टर होती है जब आप डेब्यू करने जा रहे होते हो, छक्का साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे हो, उन्होंने बैट को रोक के चौका मारा और स्टाइल होकर के ड्राइव मारी है, खूबसूरत एक अलग ही किस्म का स्टाइल था वो। तिलक वर्मा को जो स्टाइल था, जिस अंदाज में उन्होंने सुपर स्पोर्ट्स पार्क साउथ अफ्रीका सेंचुरियन में आज बैटिंग किया, नजर आ रहा था कि वो ग्राउंड के जिस खाने में चाहते हैं अपनी बाउंड्री लगा सकते हैं। बहुत प्यारा वो छक्का उन्होंने बहुत प्यारा मारा तिलक वर्मा ने, जब नो बॉल हुई अब ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है जैसे इंडिया की जो यंग लॉट है, जो ये नई T20 की टीम बनी है, ये साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में तुन देगी। अरे आज ऐसा भी लग रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अटैक कर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कोई मिन्नू टीम हो, कोई मिन्नू टीम कितना ये लपेटा है जिन्होंने तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने, बिल्कुल अगर आप इन दोनों की बात करो, इन दोनों ने आज ऐसे साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों की कुट लगाई है, ऐसे लगाया कोई बच्चों का गेंद खेल रहा हूं। तिलक वर्मा ये नाम याद रखो, क्योंकि सिर्फ 22 साल का ये लड़का जिसने आज साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की चटनी बना दी है, मार मार के साउथ अफ्रीका के खानदान को बिगाड़ दिया। तिलक वर्मा एक 22 साल के लड़के ने इंडिया की तरफ से सेंचुरी लगाई है, जो कि मामूली बात नहीं है उसके लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी। 107 नॉट आउट किया है तिलक वर्मा ने, इंडिया का एक यंगस्टर, बिल्कुल ही जवान लड़का, जो कि आज नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करने के लिए गया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को सैल्यूट है कि उसने क्या किया कि भाई सबसे पहले उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, अपने बैटिंग नंबर को सैक्रिफाइस किया, उसने अपने यंगस्टर को आने दिया, उसने एक तिलक वर्मा को नंबर 3 के ऊपर आने दिया, बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया, और आज देख लो तिलक वर्मा ने कितनी जबरदस्त इनिंग खेल दी है, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन T20 क्रिकेट आई हैव एवर सीन। सिर्फ 56 बॉलों में यहां पर 107 रन मार दिए हैं, जितनी तारीफ करें कम है तिलक वर्मा की, बहुत ही बड़ी इनिंग, और शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अगर कल वो सेंचुरी नहीं मारते तो। मैं इनकी ऐसी की तैसी मारूंगा अगर कल रिजवान और बाबर ने मुझे सेंचुरी ना मार के दी तो, क्योंकि एक 22 साल का लड़का इंडिया की तरफ से यहां पर सेंचुरी मार रहा है, एक 22 साल का लड़का रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहा है, आज उस बंदे ने 50 स्कोर की, उसके बाद उसको 100 में कन्वर्ट किया, अपने यंगस्टर होने का पूरा सबूत दिया, अपना दिमाग लड़ाया, फोकस रहा, और सबसे बड़ी बात नॉट आउट वापस आया है।